हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लोबिया की दाल की रेसिपी। लोबिया मसाला कैसे बहुत ही हेल्दी तरीके से और बहुत ही टेस्टी आप घर में बना सकते हैं, तो उसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो इसको बनाने के लिए यहां पर हमने लिया है 1 कप लोबिया। इस लोबिया को अच्छे से आपको 2 से 3 बार वॉश करना है और इसके बाद में इसमें पानी डालकर हम भीगने के लिए रख देंगे। तो लोबिया को सोक होने में थोड़ा टाइम लगता है, 6 से 7 घंटे तो भिगोना ही है, और अगर आप इसको ओवरनाइट सोक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए, ओवरनाइट सोक किया है मैंने, बहुत अच्छे से यहाँ पर सोक हो चुका है लोबिया। तो अब इसके पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे और नया पानी डालेंगे। तो हमें लोबिया को प्रेशर कुक करना है, तो लोबिया को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया, 1 चम्मच नमक डाल दिया, साथ ही मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी और हम इसमें डालेंगे पानी। तो लगभग 2 ग्लास के करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अब ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर हम इसमें 2 सीटी ले लेंगे और 2 सीटी आने के बाद धीमी आंच करके भी 5 मिनट पका लेंगे। देखिए, लोबिया अच्छे से पक गया था प्रेशर कुकर में, और साथ ही मैंने एक आलू भी लिया है डालने के लिए। एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू है, इसको हम छीलकर और छोटे टुकड़ों में काटकर यूज करेंगे। एक मसाला भी हमें तैयार करना होगा, जिसके लिए एक बोल में मैंने 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। इन तीनों मसालों को हमें अच्छे से मिला लेना है और इसमें हमें पानी डालना है। 1/4 कप पानी डालकर आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये मसाला हम सब्जी बनाने में, दाल बनाने में यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने पैन लिया है, आप कोई कढ़ाई या पैन कोई भी ले लें। इसमें थोड़ा सा घी और थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लें। इसके बाद में इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जब अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे 1 तेज पत्ता, साथ ही 1 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। कुछ सेकेंड इसको भी भूनेंगे। अब इसमें हम एक कटा हुआ प्याज डालेंगे, एक बड़े साइज का प्याज मैंने बारीक काट कर ऐड किया है, आप ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही 3 से 4 हरी मिर्च भी बारीक काट कर ऐड करेंगे। तो हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, यानी कि जितना तीखा खाते हैं, कम तीखा खाते हैं, उसके हिसाब से आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए। तो प्याज को भी अब हमें भूनना है, तो मीडियम फ्लेम पर या मीडियम हाई फ्लेम पर प्याज को भी लगातार चलाते हुए भून लीजिए। तो प्याज भुन रही है, इसी बीच हम इसमें 1 चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देंगे। ये मैंने घर पर बनाया है, रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाकर। मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और अब देखिए, जब प्याज अच्छे से भुन जाएगी, इसके बाद में जो हमने मसाला तैयार किया था उसको एक बार मिक्स करने के बाद में इसको हम तड़के में ऐड कर देंगे, और मसाले में हम नमक ऐड कर देंगे। देखिए, 1 चम्मच नमक डाल दिया है मैंने, तो दाल को बॉयल करते समय भी नमक ऐड किया था, इसलिए इस समय ध्यान से डालें। मिला लीजिए, कुछ सेकंड ऐसे ही छोड़ देंगे, आप देखेंगे बहुत अच्छे से हमारा जब मसाला भुन जाएगा तो इसके बाद में हम इसमें टमाटर का प्योरी भी ऐड करेंगे। तो मैंने 2 मीडियम साइज के कच्चे टमाटर लिए, रफली काट लिया और उसको मिक्सी में डालकर उसका प्योरे बना लिया। तो 2 मीडियम साइज के टमाटर की प्योरी है ये, इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। और मिक्स करते हुए हम टमाटर को भी तब तक भूनेंगे जब तक कि पूरा मसाला बहुत अच्छे से ऑयल को रिलीज नहीं कर देता। मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो हमारी लोबिया की दाल भी बहुत अच्छी बनेगी। ढककर इसको मैंने 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पका लिया। देखिए, धीमी आंच पर पकाने के बाद में हमारा मसाला बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसमें ऐड करेंगे अपना आलू। आलू को हमने छोटे टुकड़ों में काट कर रख लिया था, वो भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो इसे भी मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद में कुछ सेकंड इसको भी अच्छे से इस तरह से मिलाते हुए सौटे कर लें। ढक दें इसको 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर, और इसके बाद में ढक्कन हटाकर हम इसमें इस तरह से मिलाने के बाद में ऐड करेंगे लोबिया जो हमने बॉईल करके रखी थी। तो लोबिया पानी के साथ ही मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि लोबिया का जो पानी होता है उसमें भी काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और काफी अच्छा टेस्ट होता है, तो विद वाटर मैंने ऐड कर दिया है। अब अगर आपको पानी की जरूरत पड़े तो पानी को अलग से बॉयल करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कभी भी ठंडा पानी ऐड ना करें। तो अगर आपको पानी बढ़ाना है तो पानी को गर्म करके डाल दें। अब ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर हम अच्छे से इसको ग्रेवी को पका लेंगे। तो देखिए, जब बॉयल होने लगेगी अच्छे से, 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर मैंने पकाया, इस तरह से ऑयल फ्लोट होने लगेगा बहुत अच्छे से। जब लोबिया की सब्जी, लोबिया की दाल पक जाएगी तो आप इसमें ऐड कर दें गरम मसाला। 1/2 चम्मच मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, बढ़िया सी खटास देने के लिए 1/2 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर डाल देते हैं। अमचूर पाउडर की जगह आप 1/2 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच के करीब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। तो देखिए, मिक्स कर लीजिए और इसको भी ढककर हम धीमी आंच पर लगभग 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो लोबिया की दाल है, आप इसको लोबिया की सब्जी भी बोल सकते हैं,
और अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो राजमा खाना आप भूल जाएंगे, इतना इसका टेस्ट कमाल का होता है। लास्ट में इस पर डालिए थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और बस मिक्स कीजिए। तो देखिए हमारी सेहतमंद बहुत ही टेस्टी लोबिया की दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको फटाफट से रोटी पूरी पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, प्लेन राइस के साथ भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप एक बार मेरी इस रेसिपी को बनाकर जरूर देखें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए, कमेंट करके बताइए, मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप रखिए अपना ख्याल, फिर मिलती हूँ एक बिल्कुल नई रेसिपी के साथ, तब के लिए।